एक्चुअली काम शुरू हो गया था हमारा 2022 में, तो अभी हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हमारा ब्लैक टाइपिंग इनकम्प्लीट है और थोड़ा सा आप जो देख रहे हैं इसमें जो फिनिशिंग टच पे चल रहा है, तो इस महीने में इंशाल्लाह जी थ्रू हो जाएगा। तो बीच में थोड़ा सा कुछ हमें प्रॉब्लम हुई थी जॉलजी माइनिंग की तरफ से, क्योंकि मटेरियल नहीं मिल रहा था जो फिलिंग ज़रूरत थी, जैसे सॉइल था या एग्रीगेट वगैरह था वो अवेलेबल नहीं था, क्योंकि आपको तो पता ही है जॉलजी माइनिंग ने कुछ एक साल से लगभग बंद किया हुआ है, तो वो नहीं मिल रहा था टाइम पे। उस वजह से थोड़ा सा लेट नहीं हुआ, हमारा काम ठीक है। आप खाली यहाँ फ्लाईओवर को देख रहे हैं, इसके साथ साथ हमने ये सर्विस रोड पहले बनाने थे, जब फ्लाईओवर का प्रपोजल हुआ था इसमें पहले रोड मेन रोड जो था वो क्लोज करना था, उसके लिए दो हमने राइट लेफ्ट दोनों रोड देने थे सर्विस रोड, और उसके बाद PDD शिफ्टिंग थी या PHE शिफ्टिंग, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता, उसके बाद हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगा फ्लाईओवर में, फ्लाईओवर के काम में हमारा ज़्यादा टाइम है, लेकिन थोड़ा सा बीच में ब्रेक हो उस वजह से, क्योंकि जो मटेरियल नहीं था यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सबसे लंबा नहीं, क्योंकि वो तो आप देख रहे हैं श्रीनगर जहांगीर चौक में भी इससे बड़ा है या हैदरपुरा फ्लाईओवर वाला भी है, लेकिन ये 850 मीटर का है इसकी लेंथ है, और इसके लिए जैसे पुलवामा है, बड़गाम है, शुपियाँ है, जो यहाँ से आएंगे जिनको बारामूला उड़ी जाना होगा या टंगडार जाना, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी, और प्लस बेनिफिट में जो मतलब JVC जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, इधर बेमिना चौक में जाम रहता था, अब इसकी वजह से जाम नहीं रहेगा। ये अजला इसके साथ टच कर दे, क्योंकि हर किसी का आना जाना, चाहे बारामूला है, सोपोर है, कुपवारा है, टंगडार है, उड़ी है, श्रीनगर है, बड़गाम है, पुलवामा से जितने भी आते हैं यहाँ से जाते थे, किसकी ड्यूटी है या खानवाई जो आती थी उस वजह से जाम होता था। अब जब ये तैयार हो जाएगा, मतलब यहाँ से गाड़ियाँ ऊपर से चलेंगी, नीचे ज़्यादा रश नहीं रहेगा, उसमें राइट साइड से श्रीनगर जाते हैं, लेफ्ट साइड से बड़गाम जाते हैं, तो सबके लिए आसानी पैदा हो जाएगी, क्योंकि जब गाड़ियाँ ऊपर से चलेंगी, अब तो खाली लाइट व्हीकल नीचे से रहेगी, मतलब जिसको लेफ्ट साइड जाना वो नीचे से चला जाएगा बड़गाम की ओर, जिसको श्रीनगर जाना है वो राइट साइड की ओर से जाएगा, मतलब सर्विस रोड से बाकी बहुत ज़्यादा तकरीबन 90%, क्योंकि वहाँ से जो सुंबल गांधरबल वगैरह वहाँ से जाते हैं, लेह करगिल भी जाते हैं वहाँ से, मानीपोरा जो रोड है, जब वहाँ पे फ्लाईओवर बनेगा तो वहाँ पे सारी आसानी हो जाएगी, उधर से ऊपर HMT की ओर भी रोड जा रहे हैं या गुलमर्ग ओर की जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है, लेकिन जब वो वहाँ पे फ्लाईओवर बन जाएगा तो वहाँ ऑलमोस्ट सारा ख़त्म हो जाएगा, वहाँ 0% भी फिर ट्रैफिक जामिंग नहीं रहेगी। नासरीन, ये है बेमिना का फ्लाईओवर पुल जो लगभग अब मुकम्मल हो चुका है, और यकीन और तवक्का की जाती है कि चंद ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि इस पे गाड़ियां यानी कि ट्रैफिक मामूल के तौर पे चलेगी। बताते चलें हम आपको कि 2022 में इस पुल की इब्तिदा की गई और लगभग 2 सालों के मुकम्मल वक्त में यह पुल अब पाई तकमील तक पहुंचने वाला है। इस पुल के ज़रिए से काफ़ी सहूलियात बहम हो जाएगी आम लोगों को, जो ट्रैफिक जैम आप अक्सर बेशतर यहां पे देखा करते थे वो अब देखने को नहीं मिलेगा। सबसे अहम बात यह है कि यहां से रास्ता जाता है GP पंत, कुछ ऐसे मराकज़ है यानी एक अस्पताल, दूसरा यहाँ पे जो अहम मरकज़ है वो है हज हाउस, इसकी जानिब भी यहीं से रास्ता जाता है। ज़िले बारामूला भी ये रास्ता जो है यहीं से जाता है, तो दूसरे अजला से भी इस पुल के ज़रिए से अब बहुत सहूलियत हो जाएगी, तवक्का की जाती है ये जल्द शुरू हो जाएगा।